बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड डिग्री क्वेश्चन जो कंटिन्यू है, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है इस सेकंड डिग्री क्वेश्चन की, जिसमें दो वेरिएबल्स हों और साथ साथ होमोजीनियस हो। स्पेशली कंडीशन क्या है, होमोजीनियस विद टू वेरिएबल्स और सेकंड डिग्री, ये जनरल फॉर्म है इसकी। तो ये हमेशा एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इससे दो लाइनें बनती हैं। वो दोनों लाइनें किस तरह की होंगी, उसकी ये नीचे नेचर डिस्कस हो रही है। नंबर वन, वो ओरिजिन से लाजमी पास करेगी, उसके बाद वो रियल होंगी और डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, उनको दिखाया जा सकेगा, सेपरेट होंगी अगर ये कंडीशन होल्ड करे। रियल और कोइंसिडेंट शो की जा सकती हैं और एक जैसी होंगी अगर ये कंडीशन होल्ड करे। इसी तरह इमेजिनरी लाइनें होंगी, मींस उनको शो नहीं किया जा सकता अगर ये कंडीशन होल्ड करे। इसी तरह वो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी अगर ये ए और बी का आपस में सम जीरो हो जाए। तो इन चारों रिजल्ट्स को, आउटपुट्स को देखते हुए हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये भी एक एमसीक्यू का वर्जन है कि उन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल भी पूछा जाता है कि एंगल बता दें इन दोनों लाइनों के दरमियान क्या है। तो इस हवाले से ये है पेयर ऑफ लाइंस। कैसे पता चला ये पेयर ऑफ लाइंस है, वेरिएबल्स की तादाद टू है एक्स और वाई, डिग्री इक्वेशन की टू है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस थ्रू आउट वेरिएबल की पावर सेम हो, राइट साइड जीरो हो, उसको होमोजीनियस कहते हैं। ये जितनी पावर होती है वो उस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री होती है। अगर सेकंड डिग्री क्वेश्चन हो, दो वेरिएबल्स के साथ हो, होमोजीनियस हो, वो पेयर ऑफ लाइंस बनाती है हमेशा, और वो पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन में से भी लाजमी पास करता है। तो हमें ये पता चल चुका ये पेयर ऑफ लाइंस हैं। यहाँ जो ऑप्शन लिखे गए हैं, ये 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 और ये, यही वाले चार हैं, 1 2 3 4, उनको दोबारा नहीं लिखा गया कि ये वाले पेयर ऑफ लाइन इन में से किस कैटेगरी के हैं। सॉल्यूशन कैसे आएगा, जस्ट हमारी जरूरत तो ये ए बी और एच की है, तो उस हवाले से इसको हम कंपेयर करेंगे इसी क्वेश्चन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो टू एच है जब हम इससे कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद ये एच की कीमत आ गई और वैल्यूज इंसर्ट की जाएंगी एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें जब इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। हमारा इंटरेस्ट इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने में है। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव है, आगे डिसीजन मिल गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल और डिफरेंट। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो इमेजिनरी होती, और अगर ये आंसर जीरो आ जाता तो दोनों लाइनें रियल होती और सेम होती, एक जैसी होती, सिमिलर होती। सिमिलर का वर्ड नहीं कहा जा सकता, इनके सेम ही होती। हाँ जी, उसके बाद ये परपेंडिकुलरिज्म का भी अगर चेकिंग करना पड़े किसी जगह पर, उसका सलूशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहां से आपको ए की वैल्यू मिल रही है 10, बी की माइनस 5, तो यहां से जजमेंट हो रही है ए प्लस बी आपका जीरो नहीं है, इसलिए लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपसे कोई भी एमसीक्यू इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक बात की जा सकती है। मजीद देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है उसी परपेंडिकुलरिज्म के हवाले से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी लाइंस दिस पैरेलल परपेंडिकुलर। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं एमसीक्यू के मुताबिक कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, इसमें P की क्या कीमत लगाई जाए कि ये पेयर ऑफ लाइन आपस में पैरेलल हो जाए या पेयर ऑफ लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस हवाले से हमारा इंटरेस्ट उन्हीं इन चार वैल्यूज पे है। हाँ जी, A की कीमत 2, B की कीमत माइनस P, B की कीमत माइनस P। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो तो A प्लस B इक्वल टू जीरो। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर,
a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो अब a प्लस बी टू माइनस पी इक्वल टू जीरो, यहां से p की वैल्यू आ चुकी। ये नीचे p की वैल्यू एमसीक्यू में लिखी जा सकती है ना कि 2 है, माइनस 2 है, 4 है, 0 है, इस तरह की कोई भी कीमत। आपको जब वर्किंग आती हो तो आंसर चॉइस सिलेक्ट करना तो फिर इशू नहीं होता, वर्किंग आनी चाहिए। इसी तरह से ये पैरेललिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो ये देखिए a h और ये b आपने कैलकुलेट किया, a उसी तरह से 2 है, b माइनस पी है, h की कीमत 3/2 है। इस वैल्यू में जब पुट की गई तो x स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो का मीनिंग होता है वो पैरेललिज्म में भी यूज होंगी और कोइंसिडेंट में भी यूज होंगी, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस का जब हम फार्मूला यूज करते हैं ये वाला टेन फाई टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस फार्मूला के मुताबिक हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है अगर रूट के अंदर वाला हिस्सा जीरो हो जाए तो एंगल बिटवीन द लाइन जीरो हो जाएगा, और जब एंगल बिटवीन द लाइन जीरो हो जाए तो फिर वो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो इस हवाले से एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसमें ये कीमतें पुट की तो यहां से पी का आंसर आ गया माइनस 9/8। ये वाला पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होगा अगर पी की कीमत 2 है, पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होगा इस तरह का होगा अगर पी की कीमत माइनस 9/8 है। ये आपके पास स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है कि एमसीक्यू इस पेयर ऑफ लाइन के हवाले से, होमोजीनियस इक्वेशन के हवाले से किस तरह हमारे सामने आते हैं। ये देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस का क्वेश्चन आ जाता है, यही देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दीज। ये आपके पास पेयर ऑफ लाइंस है, इस पेयर ऑफ लाइन के दरमियान एंगल कौन सा होगा। देखिए पेयर ऑफ लाइन का फिर से मैं बताने लगा हूं कहां से पता चलता है, इक्वेशन होमोजीनियस दो वेरिएबल्स के साथ सेकंड डिग्री की, जिसकी बार बार रिप्रेजेंटेशन आ रही है। हाँ जी, ए की कीमत 3, बी की कीमत 2 और 2h की कीमत 7, फाइनली h हो गया 7/2। जब इस एंगल बिटवीन द लाइंस में कीमत पुट की गई, सिंपलीफिकेशन के बाद आप यहां पर पहुंचे tan phi इक्वल टू 1, यहां से phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, दैट इज 45 डिग्री या π/4। तो इस तरह से एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इजी सा टास्क मौजूद है। ये एक और क्वेश्चन नोट कर लें, x स्क्वायर 2hx 2xy secant अल्फा y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से पूछा जा रहा है इस पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान एंगल बता दें, तो a की कीमत 1, b की कीमत भी 1, जाहिर है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होता है, और ये xy प्रोडक्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है दिस इज 2 secant अल्फा, ये आपके पास क्या होगा 2h की कीमत होगी। सो 2h इक्वल टू दिस, 2 से 2 कैंसिल हुआ, h की वैल्यू आपके पास आ चुकी secant अल्फा। अब इस secant अल्फा को आप इस एंगल बिटवीन द लाइंस के फार्मूला में जब इंसर्ट करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिल रही है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा, ये रूट और स्क्वायर कट चुका, दैट इज tan अल्फा। यहां से tan phi इक्वल टू tan अल्फा या फिर phi इक्वल टू अल्फा, ये है एंगल बिटवीन द लाइंस का फार्मूला।